नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अर्थ प्रकाश की वेबिनार में। टॉपिक था हमारा पॉजिटिव थिंकिंग ड्यूरिंग कोविड-19। आज की वेबिनार सेशन है, जिस समय के दौरान जो कोविड-19 के तहत जिस तरह से देश और समाज पूरी तरह से बंद रहा, उसमें लोगों में कोरोना वायरस के डर के कारण जिस तरह के अवसाद पैदा हुए, जिस तरह का डिप्रेशन का माहौल बना, एंजाइटी को भी ले गए लोगों ने, बहुत डर का माहौल उनमें रहा कि अब कैसे करें। एक फियर फैक्टर था फ्यूचर को लेके, काम काज को लेके, या आपसे रिश्तों में बहुत से टकरार, बहुत सी चीजों में इस तरह की चीजें आई कि लोग अपने आप में डिप्रेसिव फील करने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं हर परिवार की, हर व्यक्ति की एक प्रॉब्लम नजर आने लगी थी कि किस तरह से इस चीज को भी फाइट किया जाए कोरोना के साथ साथ, कि जब एक डिप्रेशन की स्थिति में कहीं ना कहीं सभी लोग जाने लगे थे। और मेडिकली भी ये कहा जा रहा था कि आप में इम्यून सिस्टम जितना बढ़िया होगा उतना आपका अच्छा जो कोरोना के प्रति फाइट है वो बेहतर रहेगी। ऐसे में अर्थ प्रकाश आज डिस्कस करने जा रहा है कि पॉजिटिव रहते हुए महिलाएं जो कि गृहिणी होने के साथ साथ समाज में अलग अलग क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और निभा रही थी पहले, उन्होंने किस तरह से इन चीजों के साथ कोप अप किया, किस तरह के साथ फाइट किया और अपने परिवार और समाज में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। आज हमारे साथ डिस्कशन में चंडीगढ़ और ट्राइसिटी की अलग अलग क्षेत्र से संबंध रखने वाली महिलाएं हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर शिवानी जी हैं, जिन्होंने ऑनलाइन कोरोना के टाइम पे एक क्लब का भी लॉन्च किया था, जिसमें ऑनलाइन इन्होंने गेम्स के थ्रू महिलाओं को बिजी रखा और उनके अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करी थी। उन्हीं के साथ में मैं स्वागत करना चाहूंगा बबीना भट्टी जी का, साथ ही टीचर हैं, रजनी शर्मा जी सर्कल असिस्टेंट हैं, नेहा शर्मा जी सोशल वर्कर के रूप में, अनु गोयल जी हमारे साथ हैं सोशल वर्कर के रूप में, नवनीत कौर जी रैकी हीलर फैशन डिजाइनर और एक मॉडल के रूप में हमारे साथ हैं, जस्सी गुलाटी जी हमारे साथ हैं मिसेज नॉर्थ इंडिया 2019 रह चुकी हैं, मिसेज ग्रह लक्ष्मी क्वीन 2019 रह चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ है रविंदर कौर जी वार्ड नंबर 15 की पार्षद मैडम चंडीगढ़ से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रविंदर जी आपके पास आना चाहूंगा। गुजराल जी, हाँ जी, आपका आप महिला हैं, घर परिवार भी संभालना आपकी एक जिम्मेदारी मानी जाती है, देखा जाता है कि हाँ महिला है तो मतलब हम निश्चिंत रहते हैं, घर के जो व्यक्ति है निश्चिंत रहते हैं कि हाँ हमारा घर पूरे अच्छी तरह से सजा हुआ है, बेहतरीन से काम हो रहा है। और उसके साथ साथ आपका राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका पूरी जिम्मेदारी आपने निभाई हुई है, तो मैडम जो आप किस तरह से आपने इन चीजों के साथ में फाइट किया और कैसे आपने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की अपनी ड्यूरिंग कोविड-19 के बंद में। जी भट्टी साहब नमस्कार, सब जो आज साथ जुड़ी हुई हैं मैं उनको भी सबको नमस्कार करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 जब हमारे यहाँ इंडिया में तो कैसे डर का माहौल बन गया, आपने देखा हर कोई, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई जवान, हर कोई बाहर निकलने से डरता था। स्टार्टिंग में तो इतने बुरे हालात थे कि लोगों के मन में ऐसा डर बढ़ गया था कि पता नहीं कितने दिन जीना है, कितने ऐसे हालात हो गए थे। पर फिर भी जैसे हमने लोगों ने चुन के भेजा है, जिम्मेवारी बनती है, 40,000 लोग हैं जिन्होंने हमें चुन के वार्ड में अपने भेजा, तो मैंने अपने पूरी बेखूबी से उनके लिए बहुत सारे काम किए। मैं वैसे भी सोशल हूँ जी, अगर मैं बाई चांस काउंसलर ना होती मेरे को लगता तभी मैं शायद ये काम करती, क्योंकि हर कोई अगर घर में डर के बैठ जाएगा तो जो गरीब है या जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कौन करे। बिल्कुल सही कहा, किसी ना किसी को तो आगे बढ़कर, किसी ना किसी को तो आगे, हर कोई डर के मारे आगे बैठ जाएगा तो कैसे मैनेज करेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन मोदी जी ने रात को बोला कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन है बोला उन्होंने, आप यकीन नहीं मानोगे नेक्स्ट डे से इतना मतलब कि लोगों में डर बैठ गया कि कैसे फ्रूट्स आएंगे, कैसे घर से बाहर निकलेंगे, कैसे सामान मैनेज करेंगे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि डेली खाने वाले वही कमाना वही खाना, उन्होंने तो घर में उतना को होता है, इतना तो घर में मतलब कि वो स्टोर करके नहीं रख पाते। तो हमने अब यकीन नहीं मान, हमारी मीटिंग हुई ऑनलाइन, हमने कहा कि जो नेसेसिटी की चीजें कम से कम वो तो हम लोगों को प्रोवाइड करनी। हमने रात को रात 3 बजे तक हमारी मीटिंग की, आप यकीन नहीं मानोगे सब। हमने नेक्स्ट 2-3 दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, पर हमने 3rd डे से जब बिल्कुल लॉकडाउन था, लोगों के घरों में सब्जियां फ्रूट्स दूध राशन की, जैसे घर से घर में लोगों के राशन प्रोवाइड करना, एक एक चीज, जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी तो घर में आके यहाँ तक मेड खाना बना,
मेड खाना, वो मेड भी आ नहीं पाई, वो बुजुर्ग इतने 80-80 ईयर्स के बुजुर्ग खाना। तो हमने मतलब कि मेरे को लगता 4th-5th डे होगा जब हमने शिव साई राम संस्था थी एक उनके साथ 44 के कम्युनिटी सेंटर है हमारा, वहां पे हमने लंगर बनाना स्टार्ट कर दिया था। जब लोग घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं आते थे तो मैं डेली कम्युनिटी सेंटर में जाके 1000 लोगों के लिए लंगर बनवाती थी उस संस्था के साथ मिलके। मतलब ये बहुत बढ़िया बात है रविंद्र जी कि आपने घर की अपनी जिम्मेदारी तो निभाई जो निभाई, ऊपर से आपने जो जरूरतमंद लोग थे उनके लिए भी आप तत्पर खड़े रहे, बिल्कुल हर तरह की सहायता कर रहे हैं। खासकर जो बुजुर्ग थे ना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। रविंद्र जी मैं फिर से आऊंगा आपके पास में। मैं अभी डॉक्टर शिवानी हमारे साथ प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और समाज सेवा के रूप में भी जुड़ी हुई डॉक्टर शिवानी। अच्छा मैं शिवानी आपसे बात करूँ से पहले मैं सभी मेंबर्स रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जिनसे इंटरेक्शन हो कृपया वो ही अनम्यूट करें, बाकी सभी अगर म्यूट पर रहें तो हमारा जो सुनने में सभी को आसानी होगी सभी मेंबर्स को। डॉक्टर शिवानी हेलो, आपने आप प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं, उसके अलावा आपने सोशल वर्किंग में भी आपने अपना काम काफी कुछ किया हुआ है। हमें पता लगा था कि आपने एक क्लब लॉन्च किया था जिसमें कुछ इनोवेटिव तरीके से आपने ट्राई सिटी और बाकी जगहों की महिलाओं को ऑनलाइन जोड़कर आपने कुछ कॉन्टेस्ट किया या उनको आपने कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया, क्या था ये कॉन्सेप्ट? सर एक्चुअली क्या है, 3-4 दिन तो लॉकडाउन को थोड़ा लाइटली लिया। मेरे हस्बैंड भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, पंचकुला सेक्टर 6 में उनकी कोविड वार्ड में जब ड्यूटी लगी और वेरी फर्स्ट डे जब उनको पूरा किट में देखा, दैट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल डे फॉर मी। उस समय मुझे लगा कि कुछ बहुत ही सीरियस है, क्योंकि जब अपने ऊपर बीतती है तो इंसान को ज्यादा फील होता है। बिल्कुल ठीक आपने। एट दैट टाइम मुझे लगा कि स्ट्रेस जब मुझे इतना है, सबको इतना है, खासतौर पे हाउसवाइफ्स को बहुत ज्यादा क्योंकि घर में बैठी हैं, वर्किंग लेडीज को आई थिंक उससे भी ज्यादा क्योंकि उनको आदत होती है बाहर निकलने की। हाउसवाइफ्स तो फिर भी घर में रहती हैं, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। तो बबीना भट्टी, नेहा जी, रजनी शर्मा, हम सब ने मिलके एक ग्रुप लॉन्च किया, मिस एंड मिसेस लॉकडाउन क्वीन। और उसमें ऑनलाइन हम लोग अराउंड 150 लेडीज जो ना सिर्फ ट्राई सिटी से हैं, अलग अलग शहरों से है, हमारे पास जयपुर, नैनीताल, दिल्ली, गुड़गांव, बहुत हिसार, अलग अलग शहरों से हमारे पास लेडीज जुड़ी हैं। तो हम लोग उनको डेली एक टास्क देते हैं और वो बहुत अच्छे से अपने टास्क में इन्वॉल्व होती हैं, फिर हम लोग उनमें से विनर्स निकालते हैं और इस तरह से हम लेडीज को इन्वॉल्व रखते हैं। आपने डिजिटली आपने पूरा इसका फायदा उठाया जो डिजिटल वर्ल्ड में, बिल्कुल हमने इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टास्क दिए, जैसे हेल्दी कुकिंग दिया हमने, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट दिया उनको, मास्क एंड सैनिटाइजर के ऊपर टास्क दिए। तो इस तरह से हमने ना सिर्फ उनको स्ट्रेस बस्टर के रूप में उनके लिए काम किया, बट उनको सोशली एंड मेंटली अवेयर भी किया कि कोविड से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। शिवानी जब आपने ये इस तरह का इनोवेशन किया तो कितनी महिलाएं शुरू में आपसे जुड़ी और आज कितनी महिलाएं इस क्लब में हैं? जब हमने ये शुरू किया तो बबीना भट्टी, मैंने, नेहा ने और रजनी ने, हम चारों ने मिलके ये डिस्कस किया कि वी शुड डू समथिंग फॉर फीमेल सोसाइटी। तो हमने शुरू किया तो हमारे पास 8 या 10 लेडीज जुड़ी और अब अराउंड हमारे पास 135-140 लेडीज जुड़ी। बबीना जी आपके पास आते हैं कि जब डॉक्टर शिवानी ने ये आइडिया आपके साथ शेयर किया तो आपकी भी अपनी बाध्यताएं होंगी, आप टीचर भी हैं, तो अभी घर में रहना आपका लाजमी था, लेकिन जितना पता है कि ऑनलाइन सभी भी स्कूल्स ने जारी करी रखी रखी हुई है, आप सुन पा रही हैं बबीना जी? हाँ जी सर, बहुत ही मुश्किल था घर पे रहना, बट शिवानी मैम ने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे बबीना मैम हमें एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, तो फिर हमने मैंने शिवानी मैम, नेहा मैम और रति मैम ने कॉन्टेस्ट किया, तो जैसे लेडीज को भी एक बहुत अच्छा मौका मिला क्योंकि वो घर रह के बहुत स्ट्रेस में आ गई थी और उनको लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हाउसवाइफ भी है हमारे में और बहुत अच्छी अच्छी लेडीज हैं जो हमारे में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम उनको टास्क देते हैं सर, वो बड़े खुशी के साथ वो टास्क करते हैं, विनर भी होते हैं और एवरीडे हम टास्क देते हैं और जैसे टास्क में हमारा जैसे बहुत अच्छे टास्क है हमारे, तो अभी तक हमारे 25 टास्क हो चुके हैं सर, तो बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। और नेहा जी से पूछते हैं इस बारे में, नेहा जी किस तरह के टास्क थे, आप किस तरह से
टास्क को मतलब इनिशिएट किया या किस तरह से कंसीव किया इस आइडिया को कि हमें ऑनलाइन बैठ के हमें सभी को इस तरह से इंडल्ज करना और बोरियत भी महसूस ना और कुछ ना कुछ सीखने को मिले, किस तरह का इनोवेटिव आइडिया था ये? एक्चुअली जब ये COVID-19 जैसे ही ये स्टार्ट हुआ था तो एक डर का माहौल कह लो, खौफ सा एक बन गया था सभी के मनों में, ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर हम शिवानी जी ने, डॉक्टर रजनी जी ने और पूजा जी ने, हम सब ने मिलकर बनाया कि थोड़ा सा लेडीज को प्रेस आउट करते हैं, कुछ उनके लिए करते हैं कि ताकि उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि एकदम से ये चीज आ जाना और सबके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका था इस चीज के लिए ना। तो हमारा फिर कॉन्सेप्ट यही रहा कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करते हैं सबको। अमित जी आपसे पूछते हैं कि जिस तरह से अभी डॉक्टर शिवानी, नेहा जी और बबीना जी ने बताया, आप भी स्ट्रेस क्लब से जुड़े हुए हैं और आप रेकी हीलिंग के साथ साथ आपका बाकी भी जगहों पे समाज में अलग अलग लेवल पे आप अपना निभाते हैं, से आपने घर परिवार उसके बाद में इस तरह के जब शोज में किस तरह से आपने इन्वॉल्व किया अपने आपको, जो कि COVID-19 में अपने आप में एक चैलेंज था? बिल्कुल, मैं भी ये RNSB ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और मैं पर्सनली रेकी हीलर हूँ, रेकी मास्टर हीलर हूँ मैं। जिस इस पॉजिटिव जो थिंकिंग है आपकी, ये हमारा रेकी का एक बेस है। हम होलिस्टिक होने के साथ साथ पॉजिटिव होना हमारा फर्स्ट स्टेप है रेकी में, जो मुझे बहुत बेनिफिशियल हुआ इस लॉकडाउन। अपने घर, अपने आप को, अपनी फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन दिया कि इस कोविड से हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इवन मैंने अपने नेबरहुड में भी पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ था, जिससे कि मुझे इस बार लॉकडाउन के दौरान लगा कि जो मैंने रेकी स्टार्ट की हुई है वो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रही। इस दौरान मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात करी, जो कि मोस्टली आई थिंक कि मोस्टली लेडी डिप्रेशन में थी कि हम कहाँ जाए कहाँ आए। वो घर पे रह के एकदम आइडल होके एकदम सफर कर रही थी अपने डिप्रेशन को। उनसे मैंने बात करी, दो तीन मेरी फ्रेंड्स हैं, उनका मैंने हीलिंग किया, उनकी ऑरा क्लीनिंग करी, जिससे कि उनको अच्छा बेनिफिट हुआ इसमें। और मेरे हस्बैंड जैसे सोशल वर्कर है, उनके साथ भी मैं गई लॉकडाउन के दौरान और मैंने वहां पर जो नीडी पीपल थे उनको ड्राई राशन प्रोवाइड किया, सैनिटरी पैड्स दिए, वेजिटेबल्स दी उनको, जिससे कि हमें खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि जो नीडी पीपल है उनकी हम हेल्प कर सके। और इस दौरान शायद मैं घर से सबसे ज्यादा बाहर निकली लॉकडाउन के दौरान, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि लोग जो हैं डिप्रेशन में ना आए, डेली नीडी जो पीपल होते हैं उनको कुछ ना कुछ जरूरत चाहिए होती है, कुछ ना कुछ सामान की। ये एक बहुत बड़ी मैं देख रहा हूँ कि सभी से आपसे बात करके एक बात सबसे ज्यादा कॉमन नजर आ रही है कि सभी महिलाओं ने हिम्मत कभी नहीं हारी और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस, जहां हम सोच रहे थे कि महिलाएं अपने आप को घरों में कैद रख रही हैं, ऐसा कहीं नहीं लगा आपकी बातों से। कहीं ना कहीं आप लोग समाज में हर वर्ग में अपने अपने स्तर पर समाज सेवा हो या लोगों की सेवा में उनके दुख आप ठीक हुए हो, मदद की हो, हर महिला कहीं ना कहीं वहां पे खड़ी नजर आई है। ऐसे में मैं अनुपमा जैन जी हैं शायद अगर मुझे सुन पा रहे हैं, अनुपमा जी हमारे साथ आज हैं प्रेसिडेंट मिसेस जैन, आप थोड़ा बताएं कितना सब महिलाएं तो भारत को इनोवेशन दिया और कोशिश करी कि पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग ना केवल परिवार अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बल्कि समाज में भी उन लोगों के साथ खड़े रहें जो लोग इस महामारी के समय में डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपका इसमें क्या कहना है, किस तरह से आपने इस चीज को फाइट किया? पहली बात तो आई वुड लाइक टू से गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, नमस्ते। एंड मैं अनुपमा जैन हूँ, मैं एक हमारी एक NGO है, दिस इज इनर व्हील क्लब ऑफ पंचकुला। इनर व्हील आप लोग को मालूम ही होगा कि रोटेरियंस के वाइफ्स की है एंड इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी? जी मिसेज जैन बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए प्लीज। तो उसमें हमारे पंचकुला वाली शाखा में वी हैव 87 मेंबर्स एंड जब ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले हम बहुत जोरों शोरों से बहुत काम कर रहे थे, एकदम से लगा कि अब क्या होगा, सारा काम रुक जाएगा, बट I think so that was the best time that we worked the most and my husband is a doctor so I had to take lot of precautions ki
because he knows the seriousness of this virus also and disease also. Dr. Jagatram, unke friend hain. तो हमें ये हम उसको एक इजीली नहीं ले सकते थे, लाइटली नहीं ले सकते थे. येट वी हैड टू कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड. तो वी हैड टू टेक द प्रिकॉशंस एज वेल एज डू समथिंग इन फॉर द सोसाइटी. तो हमने ज्यादातर मैंने राशन बहुत बटवाया, जहां भी मेरी 87 मेंबर्स की मेड्स वगैरह ने उनको फोन करा, बीबी जी हमें प्रॉब्लम हो रही है. तो एक आईपीएस ऑफिसर हैं यशपाल सिंगल जी, उनकी वाइफ ने हमें एक वॉलंटियर दिया, वैन दी एंड 4 वॉलंटियर्स दिए, जो हमारे को जगह जगह सारा अनाज और जो भी हम चीजें देते थे वो उन लोगों पर पहुंचा देते थे. तो हमने ज्यादातर पंचकुला के जितने भी स्लम्स एरिया है वहां पर बहुत राशन बांटा. इट वाज लाइक आई शुड नॉट से बट मोर देन 4 लाख रुपीज का हमने राशन एंड पीपीई किट्स एक करके बांटा. और जो भी मतलब हम बेस्ट सबको एटीट्यूड दे सकते थे. फिर मेरी जो मेंबर्स थी दे वर लाइक एवरीबॉडी वाज यूज्ड टू गोइंग आउट एंड डू द प्रोजेक्ट्स, देन सिटिंग एट होम एंड डूइंग द प्रोजेक्ट वाज लिटिल डिफिकल्ट. देन हमने एक कोरोना पे वीडियो बनाई टू गिव द पॉजिटिव एटीट्यूड. दैट वीडियो वाज वेरी गुड, उसमें बड़ा पॉजिटिव गाना था कि हम जीतेंगे एंड हम अजमाएंगे अपनी शक्ति, दैट काइंड. उसके लिए सब लोग रेडी हुए, वीडियो बनाई गई. It was a little thrilling, so it was fun also. कहीं ना कहीं आपने जो था हर तरह का innovation इख्तियार किया कि अपने आप को भी खुश रखें और हम जिनके साथ रह रहे हैं या जो हमारे साथ टच में हैं उनके साथ भी हम लोग खुशी को बांटें. हम लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले, बिल्कुल भी नहीं निकले. We were very particular, social distancing, mask, sanitizers, and मेरे husband ने तो मेरे को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया, but घर पे बैठे बैठे हम बहुत कुछ कर सकते थे, and that is what we did. It was not कि हम बाहर जाकर ही करना था. फिर मेरे बेटे की COVID आपके that was the most difficult part. नए members हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा. कृपया आप मुझे बताएं, मैं देख पा रहा हूँ मैम, आप बताएं मैम थोड़ा सा मेरे को, आप एक तो अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज. जो नए अभी हमारे साथ मेंबर्स जुड़े हैं कृपया अपने बारे में बताएं. Myself? जी मैम. Hello. Okay. Yeah. Hi. I'm Priya Jain. I run an NGO Seva Mission. और सबको मेरी तरफ से नमस्ते और मेरी टीम की तरफ से नमस्ते. मैं और मेरी टीम सेवा मिशन, हम लोग पेशेंट्स की हेल्प करते आ रहे हैं पिछले लगातार 2 सालों से. पीजीआई एंड जीएमसीएच के कोई भी जो नीडी पेशेंट्स होते हैं उनका हम इलाज कराते हैं. हमारी 2 इलेक्ट्रिक रिक्शाज भी पीजीआई में चल रही हैं जो कि फ्री ऑफ सर्विस है सारे पेशेंट्स को लेके जाने के लिए और इधर से उधर सुबह से शाम तक. बट जब से लॉकडाउन हुआ है हमारी रिक्शाज ने चलना बंद नहीं किया. हमारी रिक्शाज फिर भी नीडी पेशेंट्स को लेके इधर से उधर चलती आ रही हैं, जबकि पीजीआई के सारे जो भी सर्विसेज हैं, बस सर्विसेज हैं और सब कुछ बंद हो चुकी थी, लेकिन हमारी रिक्शाज ने उस टाइम भी अपनी सर्विस जारी रखी. प्लस हमारी इस टाइम हमने न्यू काम शुरू किया एक राशन देने का, जैसे कि अभी अनुपमा जी ने भी बताया कि वो भी राशन देती आ रही हैं. इसी तरीके से हमारी सेवा मिशन की टीम ने भी पूरे चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में और इवन पंजाब में भी हमारे पास कॉल्स आती रही हैं. तो हमने राशन बांटा है, लगभग 2 लाख के आसपास तो राशन हमने बांट ही दिया है. कोई भी नीडी होता है जिस तरह से भी. प्लस हमने अपने पेशेंट्स की हेल्प करना तब भी नहीं, आई होप आपको सुन रहा है सर. हमने एक पेशेंट जो था हैंडीकैप था उसको इस टाइम हमने एक ट्राइसिकल दिलाई और एक पेशेंट का इलाज हुआ जिसकी बैकबोन का पूरा फ्रैक्चर था, उसको देन हमने व्हीलचेयर्स दिलाई. और देन एक पेशेंट था दैट वाज शिवा पेशेंट, उसका वो आईसीयू में था. तो आई थिंक पूरा लॉकडाउन 3 मंथ्स जितना भी रहा है तो वो आईसीयू में था और उसको हमने पूरा मतलब जिसका इलाज होना लगभग डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था शायद वो बच नहीं सकता, तो उसके इलाज में भी 2.5-3 लाख रुपया ना भी खर्चा हुआ. वो अभी घर पहुंच गया बिल्कुल सही सलामत. तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमने उसका इलाज कराया, वो अपने घर चला गया है. और उसके बाद एक कुलबीर पेशेंट आई और उसका भी पेट की आंतें सब फट
गई थी, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, उसका इलाज हमने करवा के उसको घर ठीक ठाक पहुंचा दिया है। उसके लिए भी गॉड की ब्लेसिंग और डोनर्स की ब्लेसिंग है। और हमें कई जो इस टाइम लोग जो घर पे बैठ गए थे उनको हमने नेशनल स्कीम्स के लिए अवेयर कराया कि अपनी जो भी जैसे कि आयुष्मान कार्ड है वो अपना कार्ड बनाए, राष्ट्रीय आरोग्य योजना है उसके लिए कार्ड बनाए, उसके लिए मतलब लोगों को अवेयर किया इस टाइम पे। आपने सेवा धर्म तो किया ही किया, उसके साथ साथ आपने लोगों को एजुकेट भी किया कि जो जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें किस तरह से पार्टिसिपेट करें, ये तो बहुत अच्छा। राइट राइट, क्योंकि उससे उनका इलाज मतलब जरूरी नहीं है हम लोगों से डोनेशन लेके ही इलाज करवाएं, कुछ लोगों को नहीं क्योंकि कईयों का बीपीएल कार्ड भी नहीं बना होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम आती है उनको, तो इसलिए जिनका बीपीएल कार्ड बना होता है तो उनके लिए ये योजना लेना आसान होता है। तो फिर गवर्नमेंट के पास अगर स्कीम्स हैं, पुअर फंड्स हैं, तो उनका इलाज उन स्कीम के थ्रू भी करवाया। बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मदद ये ही मानी जाती है कि आप किसी को अच्छी शिक्षा दे दें कि वो किस तरह से अपना आगे का बेहतर जीवन तो वो अबंडेंट लाइक बहुत सारे लोगों का हमने ऐसे कार्ड्स बनवा के उनके इलाज फ्री में करवाए। और देन हमने स्ट्रे डॉग्स के लिए फूड दिलाया, बहुत स्ट्रे डॉग्स को फूड दिया, और कुछ लोग इस चीजों से जुड़े हुए थे उनको हमने स्ट्रे डॉग्स को फूड दिया, और कुछ स्ट्रे डॉग्स को पेशेंट्स थे लाइक उनको कैंसर था कईयों का, उनका ऑपरेशन भी कराया स्ट्रे डॉग्स का भी। देन सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट तब हुई जब हमें GMCH 32 हॉस्पिटल से कॉल आई कि उस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से इतनी PPE किट्स नहीं बनी थी, जबकि सारे पेशेंट्स 32 हॉस्पिटल्स में आ रहे थे। तो उन लोगों ने हमें बोला कि अगर आपकी संस्था हमारी कुछ हेल्प कर सकती है, तो हमने उनको लाइक 100 PPE किट्स दिलवाई, जो कि अपने ही आप में हमें एक अचीवमेंट लगे, मतलब हमारे लिए एक बड़ी, हमें खुद से प्राउड हुआ कि हम डॉक्टर्स की हेल्प कर पा रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स हमारे साथ ऐसे जुड़ गए थे कि जैसे वो लोग लाइक मतलब वो हमें थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन बट दे आर आवर सेवियर्स। लाइक आपने बहुत काबिल तारीफ, जिस तरह से आपने मेहनत की और लोगों के साथ आपने लोगों को सेवा तो प्रदान की जो की, लेकिन फिर हमें PGI में भी ऑक्सीमीटर्स दिए, डॉक्टर जगत राम जी को भी ऑक्सीमीटर्स बांटे, मतलब उन्होंने जितने भी कहे थे हमने वो भी इनको दिलाए। और कुछ कैंसर पेशेंट्स थे जिनकी हमने सर्जरी करवाई, कुछ कैंसर पेशेंट्स थे जिनकी हमने बैकबोन का इलाज करवाया, और बहुत सारे इलाज करवाए। और कुछ एक सबसे लेटेस्ट हमने 11 साल की एक बलोंगी में विक्टिम लड़की है जिसका रेप हुआ, 38 ईयर्स के आदमी ने एक रेप किया, हमने उसका पिछले 4-5 दिनों से रेगुलरली हम उसको काउंसलिंग करवा रहे हैं, जुडिशियल हेल्प करवाई है, गवर्नमेंट से उसको 1 लाख रुपया एड दिलवाया है, प्लस 50,000 हमने इकट्ठा करके 1.5 लाख की उसकी FD बनवाई है। ये अपने आप में प्रिया जी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बड़ी दुखद बात है कि जहाँ एक तरफ आप जैसी इतनी सभी पढ़ी लिखी महिलाएं अपने आप को झकझोर के रख रही हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जहाँ पे खड़ी हुई हैं हर तरह की सेवा के लिए, और कहीं ना कहीं इस तरह के भी व्यभिचारी हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह के कुकर्मों से पास नहीं आते। दुख वाली बात है, लेकिन इस टाइम सब लोग इसके लिए खड़े तो हुए हैं, मतलब हम उसको हेल्प मतलब उसकी जो मन को चोट लगी है उसके लिए तो नहीं कुछ कर सकते, थोड़ा काउंसलिंग जो भी काउंसलर्स अच्छे काउंसलर्स हैं उनसे उनकी और उसकी मम्मी की काउंसलिंग, उसकी मदर की काउंसलिंग करवा रहे हैं। सो अभी वीकली काउंसलिंग चल रही है, फिर मंथली चलेगी, इस तरह से उसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, उसकी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर दिया है पैसों से, और जुडिशली उस आदमी को अंदर करके उसकी जो भी उसके लिए होगा गवर्नमेंट अब काफी कर रही है, उसको सजा दिलवाई है। आपके पास आते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ जस्सी गुलाटी जी भी हैं, काफी देर से जुड़ी हुई हैं। गुलाटी जी नमस्कार, आपका मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा अच्छा नाम है, मिसेस गृह लक्ष्मी 2019 आप रह चुकी हैं, मिसेस नॉर्थ इंडिया आप रह चुकी हैं, लेकिन अब COVID-19 ने सबको घर में बंद कर दिया, तो कैसा एहसास रहा ये? क्योंकि मॉडलिंग के लोग तो मतलब उनका तो ये होता है बहुत हैप्पी होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं, खुशियां उनके चारों तरफ होती हैं, ग्लैमरस लाइफ होती है, अचानक घर में कैद हो जाना, तो ये कैसा एहसास रहा? कहीं ना कहीं एकदम से ऐसा होता है कि ये लो ये क्या हो गया, हमारा तो इतना सब कुछ था, वास्ट था हमारा तो एरिया, पूरी दुनिया थी, एकदम से सिमट के एक घर में कैद हो गए, तो कैसा, किस तरह से आपने इन चीजों को फाइट करके और अपने आप को बनाए रखा? चलिए हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, गुलाटी तब तक आप अनम्यूट करें मैं बात करना चाहूंगा। हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, मैम ये क्या हुआ आपके हाथ को पहले ये बताएं, आप शायद फ्रैक्चर हुआ है आपके हाथ को? हाँ, मेरा नाम अनु है और मैं लॉकडाउन के मतलब 22 को हुआ 24 से ही काम कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने रोटी रसोई के साथ मिलके 5,000 पैकेट पर डे के हमने बांटे हैं जी। और मैंने अकेली ने काम नहीं किया, मैंने इसके साथ कई संस्थाओं को साथ जोड़ा है।
कई संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जरूरत सब तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी पहुंचे, बिल्कुल इंसान तक पहुंचनी चाहिए। तो मुझे उन्होंने ऑफर किया कि मैम आप खुद बटवा सकते हो, हमें कोई और मिल नहीं था। मैं कहा आप करवाइए, कोई चक्कर नहीं है, मेरे साथ मैं अपना करूंगी। तो उस समय मैंने करीबन 15 तक लोगों को फूड प्रोवाइड किया है। और उसी समय जब लोग हमारे हाथ से फूड के पैकेट खींचते थे तो बड़ा पेन होता था कि यार हम लोग इनके तक पहुंच पाए, और वाकई उनके घर में खाना नहीं था, कईयों के घर में वाकई खाना नहीं था, वो बड़ी बस्ती वाली बात थी। और सबसे अच्छी मतलब जो इस निर्माण में एक चीज थी कि हमें कहीं ऐसे घर भी मिले जिन्होंने 35-35, 40-40 किलो राशन रखा हुआ था ऑलरेडी। ये अनु जी किस तरह से पता लगता था आपको कि उसे राशन की जरूरत है, और जैसा कि आपने बताया कि घर में 30-40 किलो राशन ऑलरेडी रखा है, तो कैसे पता करते थे? एक्चुअली में क्या होता था, ये आस पड़ोस वाले ही बता देते थे कि ये मैम आ चुके हैं। तो फिर पुलिस, थैंक्स फॉर पुलिस, पुलिस के सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने हमारी हेल्प करते थे। हम उनके घर में जाते थे, देखते थे पूरा ड्राम भरा हुआ, इतना ड्राम कि 4-5 महीने बंदा आराम से खा सकता है। मैं कहा आप ये देखो, अब आपको नीड ज्यादा जरूरत है कि इनको जरूरत है। फिर वहां पे हमने एक टोकन सिस्टम निकाला जी, जिसमें टोकन सिस्टम में क्या करा कि हम लोगों ने उनको दिया कि अगर आप आज जैसे ये 10 घरों को दे दिया ये टोकन का, तो आज हमने 100 घर कर दिए, आज 100 घर कर दिए, 100 घर कर दिए, उससे क्या कि हर घर तक पहुंच गया राशन। डॉक्टर शिवानी आपसे पूछता हूं, जिस तरह से आपने अभी जो क्लब जब ये बनाया और जो आपने आइडियाज, ये इनोवेटिव आइडियाज निकाले, तो आपने इसमें बच्चों को भी ध्यान रखा कि महिलाएं, जो महिलाएं हैं गृहिणी हैं, उनके बच्चों को भी आप कुछ इन्वॉल्व करेंगे इन एक्टिविटीज में? हाँ बिल्कुल, मैंने बच्चों को भी और गृहिणियों दोनों को ना इसमें ऐड किया है, और उनसे काफी कुछ करवाया है इस दरमियान में। मतलब मैंने जैसे मेरे पास ना 60 की लेडीज थी, उनको मैंने ना कुछ 60s के सॉन्ग्स दिए, और मैंने उनको उनमें से कहा कि आप इस सॉन्ग में से कोई एक टाइटल निकालो और आपको उस चीज के साथ एक पिक लेनी है। तो वो पूरा का मतलब एक लेडी या एक बच्चे को नहीं मैंने इसमें इंक्लूड किया, उसमें पूरा परिवार साथ में इंक्लूड हो गया। अरे यार उसको वो देना, वो जैसे है ना तेल मालिश, तो घर के सारे बंदा रे तेल की बोतल लेकर आओ फटाफट, तेल के साथ फोटो खींच दीजिए, जो फर्स्ट आएगा उसे इनाम मिलेगा। इस तरह के खेल करके सभी परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखा, और वो हंसी का माहौल। और फिर उसके साथ हमारा सबका चला कि मैंने भी पैड और सैनिटाइजर, अभी ममेरा कल भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है 500 लेडीज का, लास्ट वीक हमने 500 लेडीज को पैड, सैनिटाइजर, इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक 30 दिया है विद हरियाणा, हेल्प ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। डॉक्टर शिवानी आपके पास आते हैं, थोड़ा सा हम इस पे गाइड करें आप हमें कि मेडिकली इस चीज को किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि कोरोना में जैसा कि हमें बताया गया कि आपका इम्यून सिस्टम हैवी रहना जरूरी है, इम्यूनिटी आपकी ज्यादा अच्छी रहेगी तभी आपका जो कोरोना के लिए फाइट है वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का इनर जो मन है, या हम कहें कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए या पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ऐसे में आप कैसे गाइड करते हैं मेडिकल प्लस कि अपने आप को किस तरह से हम छोटी छोटी चीजों में इंडल्ज रखें या हैप्पी रखें कि इस चीज से हम बाहर निकल सकें? आपने किस तरह से इस चीजों को अपने साथ वो किया? जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं डॉक्टर शिवानी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी थोड़ी कम है डॉक्टर शिवानी आपकी आवाज। जी नहीं, हम लोग अगेन आई थिंक जसी जी आपका म्यूट शायद अब नहीं है। जल्दी से बताएं कि आप मॉडलिंग के क्षेत्र से आप हैं, हमारा क्वेश्चन वही है, आपने शायद सुना होगा, तो किस तरह से आपको अचानक से सब कुछ बंद हो गया और आप इतनी ग्लैमरस लाइफ आप हमेशा रहते हैं मॉडलिंग की इंडस्ट्री से, आप तो किस तरह से आपने मतलब इन चीजों के अंदर आपने आपको सिस्टम को संभाला और मेंटेन रखा? सर शुरू में तो जब COVID-19 आया तब तो एकदम से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मैं ऑनलाइन बुटीक रन करती हूँ, फैशन शोज में जाती हूँ, तो एकदम से जब सब कुछ बंद हुआ, लाइफ बंद सी होगी, डेली घर रहना पड़ा, हालांकि अब क्या होगा, टेंशन होगी सारी तरफ से, है ना। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझाया, जब फ्रेंड से बात करी जो पॉजिटिव थी,
हर बाग में या कैसी है। फिर मेरे घर के पास एक कॉलोनी है, गरीब है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा, मैंने वहां जाके डेली राशन देना शुरू किया, उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी, उससे थोड़ी मैं और पॉजिटिव हुई। उसके बाद मैंने घर में अपने आप को पॉजिटिव किया, अच्छे अच्छे कुकिंग करनी शुरू करी, अपनी सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, अपनी अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, योगा करा। उसके बाद मुझे डॉक्टर शिवानी का फोन आया, जो जिनसे मैं लास्ट ईयर 2019 में मिसिंग नॉट रह चुकी हूँ, कि आप, मैं शो स्टार्ट कर रही हूँ ऑनलाइन, तो एज ए ज्यूरी उसमें आ जाओ, तो आप जजमेंट करो। तो वो जब शो शुरू हुआ उसके बाद तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हम लोग इतने पॉजिटिव हो गए, वो इतना अच्छा शो है, इतने अच्छे पार्टिसिपेंट हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, या हम लोगों ने जैसे जजमेंट करी तो हम ये लोग लाइव भी सोच नहीं सकते थे जो उन्होंने घर बैठ बैठ के लेडीज ने अच्छा परफॉर्म किया। ये एक बहुत अच्छी चीज थी। जब ये इनोवेटिव आइडियाज आपके साथ में शेयर किए गए तो कहीं ना कहीं आपके साथ और भी आपके जो फ्रेंड्स थे वो जुड़ी या हाँ जी, मैंने अपने फ्रेंड्स और भी जो नॉन मेरे मेंबर्स है जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने इन शो में पार्टिसिपेट करवाया, उनको कहा कि आप घर बैठे, कई तो ऐसी है कि जो हाउस वाइफ है जिनको इस लाइन का बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या फैशन शो होता है, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि ये ऐसा शो है जिसमें मुझे लगता है कि अगर हमने लाइव में जो शो किया है उनको भी फेल किया है, घर बैठे बैठे लेडीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करके बताई है। बहुत अच्छी बात है कि ये कहीं ना कहीं देखिए ये जरूर है कि हम सब लोग अपने घरों में 2 महीने से ज्यादा समय तक कैद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिजिटल वर्ल्ड, ऑनलाइन जो हमारे पास संसाधन है, इसके थ्रू कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक दूसरे को अपने साथ जुड़ा, ये बहुत अच्छी बात रही। हमारे साथ एक और मेंबर हैं, काफी देर से हम देख रहे हैं। मैम नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं शायद, मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ। ममता जी, जी ममता जी हमारे साथ, नमस्कार मैम, आप अपने एक्सपीरियंस साझा करें, किस तरह से आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा, घर परिवार का भी ध्यान रखा, प्लस समाज में जो आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप निभा रहे थे पहले से, तो किस तरह से सामंजस्य था, हाउ डिड यू यू नो कोप अप विद दिस एंटायर सिचुएशन, हाउ डिड यू फाइट विद दिस कोविड-19? सो मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरा नाम ममता है और मैं एक्टिव मैनेजर टपरवे में लीड कर रही हूं। हमारा टपरवे का बिजनेस है जी। हमारा सारा जो काम था वो एकदम से सारा कुछ बंद हो गया, ऐसे काम करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो वुमेन एम्पावरमेंट को देखे ही है कि लेडीज उसमें कैसे काम का चल रहा था अच्छे से, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे लोग कोरोना के चलते बंद थे, फिर भी लोग काम करते रहे और हमारे पास इसलिए तो टपरवे लेडीज का काम जो जी चल रहा था और लेडीज घर बैठकर कमा रही थी, लेडीज इससे इनकम ले रही थी, इस तरह से हमारा तो काफी पॉजिटिव रहा है और हमारा टपरवे का काम चलता भी रहा है। और बाकी इन लोग इनका ग्रुप था जो हमें लॉकडाउन स्टार वाला ग्रुप बना था, उसमें हमने काफी इंजॉय किया है, काफी उसमें टास्क आते थे अलग अलग जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करते थे। बबीना जी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप टीचर हैं तो कहीं ना कहीं अब बच्चों के लिए एक अपने आप में चैलेंज है, पिछले 2 महीने से हालांकि स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की, जो कि अब कहां 6-7 घंटे बच्चा स्कूल में रह के प्रॉपर पढ़ पाता था टीचर के सामने बैठकर, अब वो बच्चा लैपटॉप पर इंटरनेट के थ्रू क्लासेस ले रहा है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से आगे बच्चों के लिए फ्यूचर में ये स्टडीज कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेंगी या कैसा रहेगा बच्चों के लिए आगे का लर्निंग? हां जी सर, मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में डांस टीचर हूं, डांस करवाती हूं मैं जी। और तो बच्चों के लिए ये फायदा ही है सर, क्योंकि बच्चे घर पे आपको पता ही है बोर हो जाते हैं, तो वो इंटरेस्ट रहेंगे तो उनको भी थोड़ा नॉलेज होगी, तो उनके लिए तो फायदे की बात है। तो दूसरा हमने, मैंने क्या किया कि बच्चों के लिए मैंने एक मतलब आर्ट का कॉम्पिटिशन करवाया है, ऑनलाइन करवाया सर मैंने, और वो स्टेज करवाया है जिसमें कम से कम 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और जिसमें हमने टॉप 5 को विनर किया है। तो आफ्टर लॉकडाउन सर हम उनको सर्टिफिकेट भी देंगे, तो उनसे बच्चे काफी खुश भी हो गए। और स्टडी का तो ये ऐसा कि स्टडी तो उनके लिए बहुत जरूरी है, तो ऑन
एंड जो क्लासेज है वो मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब उनके लिए काम आएंगी और वो इन टच भी रहेंगे स्टडी के साथ, तो हमने मतलब ठीक लगा मुझे ये ऑनलाइन। नमनी जी, आपने बताया कि आप रेकी हीलिंग में आपका एक्सपर्टीज है, आप रेकी हीलर मास्टर हैं, तो ये कहते हैं अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए क्या है ये टेक्निक, आप सभी मेंबर से शेयर कर रहे हैं, आप लाइव हैं, तो आप थोड़ा बताएं कि रेकी हीलिंग क्या होता है। रेकी हीलिंग बेसिकली ये जैपनीज टेक्निक है जिससे हम होलिस्टिक लाइफ की तरफ जाते हैं, हम अपने चक्रास को हील करते हैं और जब हमारे चक्रास पूरे बैलेंस एंड हील हो जाते हैं तो हम दूसरों की ऑरा क्लीनिंग करते हैं, जो हमें हमारे चक्रास बेनिफिशियल है उनकी दूसरों की ऑरा क्लीनिंग करने के लिए जो एंजाइटी डिप्रेशन या फिर किसी बीमारी का शिकार होते हैं। तो हम उनकी योगा के स्टेप्स होते हैं या किस तरह से अगर कोई व्यक्ति करना चाहे? नहीं, तो योगा के स्टेप्स नहीं होते, आपकी अपनी एनर्जी होती है हैंड के थ्रू हम उनकी हीलिंग करते हैं, ये डिस्टेंस हीलिंग भी होती है और हम अपने सामने अपने क्लाइंट को बिठा के उनकी भी हीलिंग कर सकते हैं। हाँ, ये आपने मोस्टली की डिस्टेंस हीलिंग होती है क्योंकि कोरोना में तो एक दूसरे से मिल पाना संभव था नहीं, तो ऐसे हाँ जी, अगर सपोज आपके जो जानकार थे या आपकी सहेलियां या जो आपका सर्कल था उनको किस तरह से आपने इस टेक्निक से आपने फायदा पहुंचाया? बिल्कुल, मैंने दिल्ली तक मेरी फ्रेंड्स हैं, बॉम्बे तक मेरी फ्रेंड्स हैं, उनकी मैंने हीलिंग करी। ये डिस्टेंस हीलिंग होती है, मैं अपने आप को कनेक्ट कर लेती हूँ उस पर्सन से और फिर मैं उनकी हीलिंग करती हूँ, इससे उनकी मैं ऑरा क्लीनिंग करके उनको प्रोटेक्ट करती हूँ और उनके जो चक्रास है उनको हील करती हूँ अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू। ये एक डिवाइन एनर्जी है जिसको हम एक दूसरे से ट्रांसफर करके जो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होता है क्लाइंट मेरा, उसकी मैं हीलिंग करती हूँ इसके द्वारा। बहुत बढ़िया लगा, आज का टॉपिक था हमारा पॉजिटिव थिंकिंग ड्यूरिंग कोविड-19। आप सभी महिलाओं से बात करके ये एक बात तो तय है कि नारी तो नारायणी को आप पूरी तरह से सार्थक करते हैं। आप सभी को हम लोग अर्थ प्रकाश की तरफ से प्रणाम करते हैं और जिस तरह से आपने ना केवल अपना घर परिवार, अपना अपने बच्चे, अपने पति, अपने सभी सदस्यों को आपने संभाला, बल्कि अपने अपने स्तर पर समाज में जिस तरह से आप कोरोना की इस फाइट में खड़े रहे, लोगों के लिए आपने दुख दर्द या उनकी हर तरह की सहायता करने की कोशिश करी, निडर होकर इस बीमारी से बिना डरे, ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। अर्थ प्रकाश आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। फिर से मुलाकात होगी किसी ना किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर शिवानी, आप बताइए। डॉक्टर साहब आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं है, हमें अभी सुन नहीं पा रहे हैं आपकी आवाज। जी नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज शायद हम सभी नहीं सुन पा रहे हैं। उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा, हम फिर से फिर मुलाकात करेंगे किसी ना किसी वेबिनार के नए किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच लेडीज, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू अर्थ प्रकाश।